हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्पेश जोशी को फिर आज आपके बीच में एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा सूर्य पर एक ऐसा मतलब रेखा मान लें, चिन्ह मान लें, वो अगर आपके हाथ में अच्छी है या मैं आपको जो बताऊंगा अगर वो आपके हाथ में सूर्य पर है तो आपको सरकार से धन जो वो अगर आप पुलिस में या कोई इसमें है तो आप वो लाल बत्ती वाली गाड़ी आपको मिल सकती है, मतलब लेने आएगी छोड़ने आएगी वैसा हो सकता है अगर ये साइन हो तो। और धन सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा और उच्च पद मिल सकता है, ठीक है। इस वीडियो को बस अंत तक देख लेना कृपया करके, मेरी धन्यवाद। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हस्तरेखा एक ऐसा माध्यम है, इसके माध्यम से अपन हाथ का विश्लेषण करके अपने आने वाले फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट जो हो रहा है सब चीज़ अपन जान सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर के बारे में, पास्ट प्रेजेंट क्या हुआ है सब जान सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी से भी जान सकते हैं। बट पामेष्टी का इस टॉपिक लेके आया हूँ, प्लीज़ यार अंत तक देख लेना वीडियो को, बिना टाइम गवाए आप शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले सूर्य होता कहाँ है? सूर्य ये वाला पर्वत होता है, अनामिका उंगली के नीचे वाला, ये सूर्य होता है। और इस ये किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? ये सरकारी नौकरी को रिप्रेजेंट करता है, अपने फादर से टर्म्स कैसे रहेंगे अच्छे या बुरे उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हमें कितना सम्मान मिलेगा, कितना धन मिलेगा करोड़ों में, ये सारी चीज़ें सूर्य भी देता है। आपके हाथ में राजयोग कैसा है ये भी सूर्य देता है, ठीक है। राजा की तरह जीवन आपका कैसा बीतेगा वो सूर्य रिप्रेजेंट करता है, ठीक है दोस्तों। तो सूर्य पर अगर आपने कभी भी मस्तिष्क रेखा से निकलकर कोई रेखा अच्छी लॉन्ग पाई इस तरह से, और इस पर अगर आपके फिस्क का साइन बन जाए, अद्भुत चमत्कार है दोस्तों, अद्भुत। क्योंकि ये चिन्ह अगर जिसके हाथ में होता है व्यक्ति को किसी चीज़ की कमी नहीं देगा। राजयोग तो होगा ही होगा, बट मैं आपको एक और कंडीशन बताऊंगा। राजयोग धन इज्जत सब ये सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी, सरकार से धन लाभ इज्जत और उच्च पद, ठीक है। पर अगर आपकी इसके साथ साथ भाग्य रेखा भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अगर भाग्य रेखा लाइफ लाइन से निकल के शनि तक जाए, ये चंद्र से जाए, पर अगर शनि तक पहुंच जाए तो और अच्छी बात है। तो और इस जैसा भी ये जो साइन बनना है अपन को 85% या 90% इसको गिन सकते हैं, ठीक है। अगर ये 10% एक भाग्य रेखा का सपोर्ट मिल जाए तो 100% आप ऐसे मान सकते हैं कि आपको और अच्छी चीज़ मिल सकती है। उच्च पद राजयोग या कह सकते हैं आप बहुत अच्छे विदेश पहुंच जाएं, धन लाभ हो आपको, ये बहुत करोड़पति बन जाए अचानक, धन लाभ हो जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है। अगर फिर ऐसे भाग्य रेखा से मतलब ये सूर्य रेखा से मिलकर बन जाए तो, और अगर नहीं भी बने खाली सूर्य रेखा हो उसके साथ साथ भाग्य रेखा गुरु तक जाए तो ये भी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। बट अगर आपकी लाइफ लाइन ने राहु रेखा को काट दी और ये भाग्य रेखा को काट गई तो इन चीज़ों में कमी आ जाएगी, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं, आपने देखा, आप देख लेना कभी भी आपके हाथ में कितना भी पॉजिटिव चिन्ह होगा, राहु रेखा कटी है तो उन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आई होंगी गारंटी। तो दोस्तों बस आया यार आज की इस वीडियो में यही था यार। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और अगर आपको हैंड एनालिसिस कुंडली एनालिसिस करानी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कर लें मुझे से संपर्क, मैं आपकी हैंड एनालिसिस कुंडली एनालिसिस कर सकता हूँ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।